इसी दौरान कुछ बड़ी सारी जो चीज़ें हैं, बड़ी सारी जो समस्याएं हैं, जिससे कि हमने देखा जो आम लोग जूझ रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि कुछ जो खबरें थी वो पहले भी मिलती रहीं, और एक तो आज जो फर्स्ट हैंड हमने इन्फॉर्मेशन ली है जो कि यहाँ लोग एडमिट हैं, तो उससे साफ पता चला है कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, वो मुझे लगता कि पर्याप्त नहीं है हमारे यहाँ का जो जितनी भी समस्याएं हैं उसको संभालने के लिए। हमने देखा कि ये जो एक तो जो गायना वार्ड है, वहाँ एक एक बेड दो दो तीन तीन लेडीज़ को अलॉट किया गया है आफ्टर डिलीवरी, और वो बहुत बड़ी समस्या है। इस वक्त सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल यहाँ के वो दोनों महिलाएं हैं, तो मेरी अपील है उनसे कि कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए। वो रोज़ इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, स्टाफ खुद कहता है, उन्होंने हमने खुद सुना है उनके कानों से, तो कि उन्होंने कहा कि ये जो एक बेड है वो दो और तीन तीन लेडीज़ को अलॉट होता है। मतलब इस प्रकार की समस्या, इतना बड़ा जिसका नाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया है इसको कठुआ को, तो और इसमें इतनी बड़ी समस्या है, इससे रोज़ जूझ रहे हैं लोग, तो बड़ा हैरान करने वाली बात है। और जो बाकी जो चीज़ें हैं कि यहाँ मेडिकल जो दवाइयाँ हैं वो भी नहीं दी जा रही हैं, कुछ दी जा रही हैं कुछ नहीं दी जा रही हैं, और ना जाने क्या कारण है उसका। तो मेरी जो प्रशासन है, जो मेडिकल प्रशासन है, उससे भी अपील है कि इस और भी तवज्जो दी जाए, ध्यान दिया जाए, ताकि आम जो लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई अमीर तो आएगा नहीं, वो तो प्राइवेट अस्पतालों में जाता है, गरीब तबका मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वो लोग आते हैं यहाँ, और उनको दवाइयाँ मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो ये बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगा ये सिस्टम। सर क्या देखते हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी जो यहाँ इमारतें खड़ी की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जो लोग दिक्कतों से जिनका सामना है उनको यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आए दिन जूझना पड़ता है। आम लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाते, जब तक कोई प्रदर्शन नहीं होता, जब तक कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, शायद ये खुद अपनी जिम्मेवारियाँ समझना महसूस नहीं करते हैं। आम लोगों को हर रोज़ परेशानी हो रही है यहाँ। यहाँ आप सफाई देख लीजिए, सफाई एक अस्पताल के लेवल की सफाई नहीं है यहाँ। यहाँ वॉशरूम देख लीजिए, जाने का मन नहीं। कई वार्ड में तो ऐसा सिस्टम है कि वार्ड के अंदर घुसो और ऐसी बदबू है कि वहाँ तो खड़े होना मुश्किल है, और इस तरीके से वार्ड के अंदर लोग बैठे हैं और सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। जो हमारा यही कहना है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, लोगों को वहाँ फैसिलिटी दी जाए, लोगों को वहाँ अच्छा माहौल मुहैया कराया जाए, सफाई के पूर्ण बंदोबस्त होने चाहिए। पार्किंग की आप देख लीजिए, सुबह जब आते हैं तो पार्किंग की कोई पूर्ण व्यवस्था
उस तरीके से है नहीं, कोई भी कहीं भी गाड़ी लगा कर जा रहा है, गाड़ियाँ चोरी होने के सिलसिले सामने आए हैं यहाँ, तो ना तो सिक्योरिटी है उस तरीके से। यहाँ देख लीजिए, ना तो किसी के लिए रेस्टरूम का कोई बंदोबस्त है, लोग नीचे बैठे हैं, नीचे अपने कंबल बिछाए हैं, सोए हुए हैं, तो लगता नहीं है कि ये किस तरीके से अस्पताल है। आप अभी जानने को भी मिला है कि जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स रात को अनअवेलेबल रहते हैं, वो समझ से परे है कि अब अनअवेलेबल क्यों है। और सीनियर डॉक्टर अगर अनअवेलेबल हैं, उनका माना है जी ऑन कॉल आते हैं, एमरजेंसी में ऑन कॉल डॉक्टर को बुलाएंगे तो जो टाइम पीरियड है, फिर एमरजेंसी किस नाम की है। तो अगर उस दौरान जब डॉक्टर कॉल पे बुला के यहाँ पहुँचेगा, तब तक पेशेंट को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है। तो इस तरीके की खस्ता हालत है जो यहाँ की, तो उससे मेरी LG प्रशासन से साफ अपील है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कठुआ है, इस पर पुरजोर ध्यान दिया जाए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जाए, गायना वार्ड को एक्सटेंड किया जाए और भी एकोमोडेट, ताकि लोग हों तो इस तरीके की दवाइयाँ पूर्ण रूप से मिलें, और इस हर तरीके से जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो एक उम्मीद से अस्पताल में आते हैं, उनको पूर्ण सुविधा मिले। क्योंकि यही एक दायरा है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य ऐसा विभाग है जहाँ लोगों को आना ही पड़ता है, और यहाँ की अगर ये दुरुस्त होगा तो लोग खुशहाली से दुरुस्त होकर घर जाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों का शुक्रिया जो हर समय हमारे साथ देते हैं। हम एक बात बता दें कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, बेशक उसके केसेस कम हुए हैं पर वो ख़त्म नहीं हुआ है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम मास्क हटा दें। आज हमने छोटी सी कोशिश की है कि हम लोगों को सैनिटाइज़र और मास्क बांट सके, और इसी के साथ हम लोगों ने जो यहाँ के पेशेंट आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन की है, उनकी समस्या को जानने की कोशिश की है कि क्या क्या समस्या उनको फेस करनी पड़ती हैं। और इसी के चलते हमें समझ आया है कि थोड़ी सी सफाई की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और पिछले कुछ महीने पहले एक जहाँ पे चोरी की वारदात भी सामने आई थी, लेकिन हॉस्पिटल ने उस चीज़ को नहीं सीखा और उस मिस्टेक को उन्होंने नहीं अपनाया। जहाँ पे सिक्योरिटी भी होनी चाहिए थी, पर अभी भी देख लो जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, और वॉशरूम वगैरह की हालत खस्ता है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो बात सामने नहीं आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहे हैं, लेकिन साफ़ सफाई का अभी तक यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं है। जैसे कि मेरे भाई अमरीश जसरोटिया जी ने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है कि आज हमारा दौरा, एक दौरा नहीं कह सकते कि हमारा एक छोटी सी एक कोशिश थी कि हम लोगों को समस्या जान सके, एक तरीका था कि हम सैनिटाइज़र मास्क दे के जाएँ कि लोगों को जाने। पर आज अंदर जाके बहुत दुख हुआ कि कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग बन रहे हैं, यहाँ से ट्रेनिंग करने के लोग आ रहे हैं, पर कठुआ के लोगों को जो फैसिलिटी वो मिल नहीं रही है। क्या आपको पता है कि जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है ये पहाड़ी इलाके में फैली हुई है, जैसे यहाँ से बन्नी ले लो, बन्नी ले लो आप, बसोली ले लो, सब पहाड़ी इलाका 200 किलोमीटर की है। जो लोग वहाँ से आते हैं वो क्या होता है कि 6 महीने के बाद कठुआ आते हैं। क्यों आते हैं? अपने रोज़मर्रा जिंदगी के लिए चीज़ें लेने के लिए। जब वो हॉस्पिटल आते हैं, उन लोगों को तो पहले पता ही नहीं लगता यहाँ पर डॉक्टर कहाँ है, यहाँ पर दवाइयाँ कहाँ मिलनी है, यहाँ पर आयुष्मान कार्ड कहाँ वितरित हो रहे हैं। आज लोगों से जब हम गए विजिट करने गए तो लोगों का एक दर्द छलका कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमें डॉक्टर अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सफाई का प्रबंध नहीं है, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो रही है, कोई उनको रहने के लिए क्या, चलो यहाँ पे देना कम से कम एक अच्छा एक हाल होना चाहिए यहाँ पे, एक पेशेंट के जो साथ में आते हैं वो रह सकें। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग एक मीडिया या चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप भी एक चीज़ को अपनी जिम्मेवारी समझिए। आजकल जम्मू कश्मीर का जो बागडोर है वो LG प्रशासन के पास है। हम डीसी कठुआ से भी अपील करते हैं कि आप जहाँ पे आप लोगों की कुर्सी पे बैठ के लोगों से समझते हैं, आप एक विजिट करिए, आप यहाँ पे देखिए, शाम के टाइम आइए, यहाँ पे डॉक्टरों की क्या हालत है, यहाँ पे पेशेंटों की क्या हालत है, यहाँ पे लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि हमारा आयुष्मान कार्ड कहाँ बनेगा, दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी। ज्ञानी वार्ड जो वार्ड है, लेडीज़ वार्ड, वहाँ पे गए हैं, एक बेड 3-3 लेडीज़ को अलाट हुआ है। तो आप बताइए, एक बेड पे तीन, जो बेड ऑलरेडी 4 फुट 3 फुट का बेड है, उसमें 3 लेडीज़ कहाँ से होगी, वो भी एक बच्चे को जन्म देने के बाद। यहाँ पे एक सिस्टम नहीं है, क्या सिस्टम होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लास्ट में अपील ये करूँगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या फ़ायदा अगर आपके पास मशीनें नहीं है, आपके पास बेड नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है। मैं इसलिए आप भी एक कोशिश करिए, हमारी आज एक कोशिश थी कि लोगों से मिलने के बाद हमें बड़ा दुख हुआ कि आज लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। बस इतनी जो हमारी आपसे बात थी, धन्यवाद।